हाय फ्रेंड्स, ये मारुति सुजुकी ओमनी कार है। तो इस गाड़ी का जॉइंट निकल गया है। तो गाड़ी जब रास्ते में चलती थी तो गड्ढे में गिरने के बाद उसका जॉइंट निकल गया। तो जॉइंट निकलने का सबसे पहला रीज़न उसका पीछे का जो लिफ्ट स्प्रिंग होता है, जो पाटा बोलते हैं, वो पाटा टूट गया है उसके लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप उसको भी चेक करते रहिए। पीछे का दो पाटा मेन वो टूट गया है। ये न्यू डाल रहे हैं पाटा। यहाँ पे लगता है वो, तो इसकी वजह से ये पीछे का पहिया थोड़ा पीछे चला गया था। तो दो पार्टे पीछे के मेन टूट जाने की वजह से पीछे का पहिया पीछे चला गया था, तो इसकी वजह से वो जॉइंट निकल गया है। पीछे का लिफ्ट स्प्रिंग टूट जाने से डिफ्लेक्शन का पीछे का जो पहिया रहता है वो पीछे चला जाता है, तो उसका माप मेजर जो रहता है वो रहता नहीं, तो जॉइंट आगे की ओर से गेयरबॉक्स से निकल जाता है। ये न्यू पाटा डाला हुआ है, तो इस जगह पे मिडिल में सेंटर में रहना चाहिए ये। अरे भैया, जब पाटा टूट गया था तो ये पीछे का टायर पहिया पीछे चला गया था, तो आगे से जॉइंट है वो पीछे निकल गया था, तो गाड़ी चलती नहीं थी। ये पीछे का लिफ्ट स्प्रिंग कंप्लीट फिट हो गया है परफेक्ट फ्रेंड्स, जो टूटा हुआ था इसकी वजह से जॉइंट निकल गया था। तो दोनों तरफ का काम एक साथ हुआ है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जॉइंट खोलने के बाद लग जाएगा फिर से, क्योंकि उसका जो मेज़रमेंट रहता है वो जो उसका मेज़रमेंट रहता है वो पीछे चला जाता है, तो ये जॉइंट गेयरबॉक्स में से निकल जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल जॉइंट लगा दिया है। तो कार कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट काम है। जो पहले पाटा टूट गया था उसकी वजह से जॉइंट निकल गया था, तो गाड़ी चलती नहीं थी। अब ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।